जोशीमठ में मौजूदा हालातों के बारे में प्रेस वार्ता कर सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा द्वारा जानकारी साझा की गई। जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली। 863 भवनों में अब तक दरारें चिन्हित की गई, वहीं 181 घरों को रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया। बीती रात भारी बारिश और बर्फबारी के चलते पानी के रिसाव में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली, जो कि 100 लीटर पर मिनट से बढ़कर 250 लीटर पर मिनट हो चुका है। हालांकि ज्यादा ठंड की वजह से राहत शिविरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कर दी गई है। बर्फबारी हुई है और दिन में बारिश हो रही थी, तो ठंड बढ़ने के कारण हमारे जो हीटिंग की पूरी व्यवस्था है वहाँ पे प्रत्येक जो राहत शिविर में कमरे हैं सब में हीटर की व्यवस्था कर दी गई है और अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। भवनों की संख्या जिसमें दरारें दृष्टिगत हुई है उसकी संख्या 863 हो गई है। कल 849 हमने बताया था, 849 जो वार्ड हैं 4 असुरक्षित वो पहले बता दिया गया है। जो असुरक्षित क्षेत्र में जो 4 वार्ड हैं उसमें घरों की संख्या 181 है। जो डिस्चार्ज हो रहा था जेपी कॉलोनी में पानी का, वो 150 LPM से बढ़ी है, 250 LPM हो गई है। जो परिवार विस्थापित हुए हैं उसकी संख्या 269 हो गई है। कल जो सूचना थी 259 थी। इसमें लगभग 30 फैमिली हैं जो कि या तो किराए पर रह रहे हैं और या फिर अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं। जो विस्थापित परिवार हैं उसके उसमें सदस्यों की संख्या है 900। जो हमने राहत शिविर चिन्हित किए हैं, जोशीमठ में 650 कक्ष हैं जिसकी क्षमता है 2910 2919। पीपलकोटी में 491 हैं जिसकी क्षमता है 2205। इसी प्रकार से जो किराए पर रखे गए थे लोग जो किराए पर रह रहे हैं वो 3 ही परिवार हैं। इसके अलावा हमने जो जियो किया था प्रत्येक परिवार को हम 1.5 लाख रुपए इंटरिम रिलीफ के रूप में देंगे, अंतरिम राहत, उसमें संख्या बढ़ी है, 218 परिवारों को दिया गया है और जिसमें कि 3,27,00,000 रुपये वितरित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग किराए पर रह रहे थे उनको भी हम 50,000 रुपये दे रहे हैं, जो 1.5 लाख में 1 लाख रुपया था राहत पैकेज का और 50,000 रुपये आने जाने अन्य खर्चों के लिए थे। तो जो किराए पर रह रहे थे उनको हम 50,000 रुपये दे रहे हैं ताकि वो अपने सामान शिफ्ट कर लें और जो भी इंटरिम जो खर्चे हैं वो कर लें उसके।